बीजेपी से नाराज हुए नीतीश कुमार पीएम की रैली का किया बहिष्कार। पीएम मोदी की बेतिया रैली में शामिल नहीं हुए नीतीश कुमार। चिराग पासवान को लेकर एनडीए में तेज हुआ टकराव। 2 मार्च को पीएम मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय आए थे, दोनों ही जगह उन्होंने रैलियां की। रैली में नीतीश कुमार और चिराग के चाचा पशुपति पारस शामिल हुए, लेकिन चिराग पासवान शामिल नहीं हुए। चिराग ने साफ कर दिया है कि पहले बिहार में सीटों का बंटवारा हो, इसके बाद ही वो पीएम की बिहार में होने वाली रैलियों में शामिल होंगे। तो दूसरी ओर चिराग को मिलने वाली अहमियत से नीतीश कुमार नाराज है। 6 मार्च को जब पीएम बेतिया पहुंचे तो नीतीश कुमार रैली में शामिल नहीं हुए। चिराग तो पहले ही स्टैंड ले चुके थे कि पहले सीट बंटवारा हो, उसके बाद बात आगे होगी। बीजेपी की परेशानी यह है कि चिराग अब कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि 2019 के समझौते में एलजेपी को 6 सीट मिली थी, इस बार भी उन्हें 6 सीट चाहिए। चाचा पशुपति पारस को अगर बीजेपी को सीट देना चाहती है तो अपने कोटे से दे, एलजेपी के कोटे से सीट उन्हें चाहिए। चिराग 6 सीट मांग रहे हैं, जिसमें हाजीपुर की सीट भी शामिल है, जहां से चिराग के चाचा पशुपति पारस सांसद हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए चिराग को संभालना वैसे ही मुश्किल हो रहा है। दूसरा, बीजेपी को इस बात का भी एहसास है कि बिहार में पासवान समाज की पहली पसंद चिराग पासवान ही है, वो पशुपति पारस को अपना नेता नहीं मानता है। ऐसे में बीजेपी के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं दिख रहा है। चिराग को मनाती है तो चाचा रूठ जाते हैं, और अब तो चिराग के चलते नीतीश कुमार भी रूठे रूठे दिखाई दे रहे हैं। बेतिया की रैली में नीतीश कुमार का गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल हो रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने बेतिया की रैली से दूरी क्यों बना ली, आखिर क्यों नीतीश कुमार पीएम के बिहार पहुंचते ही दिल्ली चले गए। वैसे जेडीयू की ओर से भले ही दावा किया जा रहा हो कि सीएम को 7 मार्च को यूके जाना है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि सीएम को यूके 7 मार्च को जाना था, पीएम मोदी की रैली बेगूसराय में दोपहर को 6 मार्च को थी, तो इस रैली में शामिल होने के बाद भी नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते थे। वैसे चिराग को रैली का न्योता तो दिया गया था, लेकिन यह तय माना जा रहा था कि वो रैली में नहीं आएंगे। फिर नीतीश की नाराजगी का कारण क्या है? वैसे इस समय बिहार एनडीए में सिर्फ नीतीश कुमार ही नाराज नहीं है, बल्कि हर छोटा बड़ा दल नाराज है। चिराग की नाराजगी तो साफ हो चुकी है, दूसरी तरफ आरजेडी की भी नजर चिराग पासवान पर है। आरजेडी को एहसास है कि चिराग पासवान में वोटों को स्विंग कराने की क्षमता है, जो जहां जाएंगे पासवान समाज का वोट भी वही चला जाएगा, इसलिए वो भी चिराग पर डोले डाल रहे हैं। पशुपति पारस की नाराजगी भी अपनी जगह है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर चिराग पासवान को ही एलजेपी की सभी सीटें सौंप देती है तो पारस गुट के हाथ खाली रह जाएंगे। दूसरी तरफ पारस समस्तीपुर और हाजीपुर की सीट अपने पास रखने पर अड़े हुए हैं। बीजेपी की चिंता यह है कि पासवान समाज का वोट चिराग के साथ है, पशुपति के साथ नहीं, इसलिए आरजेडी की नजर पशुपति की जगह चिराग पर टिकी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के एनडीए में आने से पहले कुशवाहा के साथ बीजेपी की जो डील हुई थी उसमें कुशवाहा की पार्टी को 3 सीटें दी जा रही थी, और जैसे ही नीतीश ने पाला बदला और वो एनडीए में आए, कुशवाहा की पार्टी की सीटों की संख्या 3 से घटाकर 1 कर दी गई, जिस कारण से कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। जीतनराम मांझी की नाराजगी तो लगातार चली आ रही है। साफ है बिहार में बीजेपी अब बुरी तरह फंस गई है। नीतीश को अपने पाले में लाने के चलते अब एनडीए टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्पण न्यूज़।